घोषणा पत्र यानी राजस्थान गौरव संकल्प पत्र जारी हो चुका है और उस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें आपको, सचिन पायलट अहम दौरे पर है, चुनावी सभाओं को लगातार संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है, वो दिखाते हैं। आदिवासी इलाका बहुत महत्वपूर्ण रहा राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट आज दौरे पर हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। सब प्रधानमंत्री ने कल बहुत बड़ा वादा किया कि हम हर बेघर को छत देंगे। किस तरह से कांग्रेस पार्टी, पहले बताइए ना, पिछले पौने पाँच साल से सरकार मोदी साहब की है, जो लोग घर में रहते थे तो उनको बेघर कर दिया, नौकरियों में छटनी हो गई, नरेगा को समाप्त कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, मंडियों पे वो एजेंसी को माल को उठाती नहीं है। ये सारे झूठ का पुलिंदा जो है अब ये नष्ट होगा, मोदी साहब हो, अमित शाह जी हो, कोई बड़ा नेता हो, यहाँ पर आकर वसुंधरा जी के साल पाँच साल के जो कार्यकाल हैं उससे मुंह नहीं फेर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। अब आप अगले पाँच साल के वादे कर रहे हो, लेकिन पिछले पाँच साल में जो आपने धोखा दिया जनता को, जो विश्वासघात किया है, उसका तो आपको सबक जनता सिखाएगी 7 तारीख को। जेटली साहब और वसुंधरा जी ने घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स पैरामीटर होगा अगली सरकार में राजस्थान में। सिर्फ जो हैप्पी हो रहे हैं ना, वो भाजपा के लोग ही हो रहे हैं और भाजपा के समर्थन में जो भ्रष्टाचार को लोगों को पोषने का काम किया है, जो भ्रष्ट अधिकारी नेता हैं, वही हैप्पी हो रहे हैं। आम जनता तो अनहैप्पी है भाई। पाँच साल में हर वर्ग को उन्होंने परेशान किया, हर जाति, हर समाज के लोगों की पगड़ी को उछाला है। एनकाउंटर यहाँ पर हुए हैं, बलात्कार यहाँ पर हुए हैं, आत्महत्या यहाँ पर हो रही है, नौजवान ट्रेन के आगे अपनी जान दे रहे हैं बेरोजगारी के आलम से परेशान होकर, तो किस बात की हैप्पीनेस है? इन लोगों को तो पश्चाताप करना चाहिए और पाँच सालों में जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। वसुंधरा जी की सरकार ने जो विश्वासघात किया है उसका जनता सूद समेत बदला लेगी। फिर राम मंदिर का मुद्दा आता है, जब चुनाव आते हैं फिर बीजेपी राम मंदिर ले आती। अब ये सोचिए, जनता भी सवाल पूछती है कि आप सरकार में रहे, यूपी में कई मुख्यमंत्री भाजपा के रहे, वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री रहे, 4.5 साल आपको हो गए हैं, तो भगवान राम को आप लोग इतनी वेट कराते हैं सिर्फ चुनाव तक की। चुनाव संपन्न हो जाएगा फिर अपने काम में मस्त हो जाएंगे, फिर भाजपा के नेताओं को हैप्पी करने में लग जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा जो है, ये चुनाव की पूर्व संध्या पे क्यों आता है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जो देश की उच्चतम न्यायालय कहेगा वो सबको स्वीकार है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। लेकिन जान पूछ कर जब शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर कोई जवाब देने को मिलता नहीं है, तो भाजपा अंतिम समय में वही करती है जो हर बार करती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, जनता बार बार इसमें बहकने वाली नहीं है, जनता को विकास चाहिए। वसुंधरा जी की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, अब कितने बड़े नेता आ जाएं, अब डूबते को तिनका का सहारा भी नहीं मिलने वाला है, जनता कांग्रेस को वोट डालेगी। साहब, ट्राइबल की 16 सीटें, आपने कहा 5 साल पूरी तरह भ्रमित किया ट्राइबल इलाके को इस सरकार ने, किया ना, यहाँ पे झगड़े करवाने की बात की है, जो हमारे आदिवासी और नॉन आदिवासी हैं उसमें भ्रम फैलाया है, अलग अलग संगठन को उन्होंने उकसाने का काम किया, लोगों को, नौजवानों को एक तरह से जुमले दे दे के यहाँ आज तक टाइम निकाल दिया। लेकिन अब समय आ चुका है, 5 साल सरकार दोनों तरफ भाजपा की थी, राज्य में और केंद्र में। अगर आपको कुछ संशोधन करना था, परिवर्तन करना था, योगदान देना था, बजट देना था, नौकरी लगानी थी, रेलवे लाइन बिछवानी थी पहली बार रिजवागढ़ में, क्यों नहीं किया आपने? उसका जवाब तो है नहीं। अब आप बात करोगे हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव आ रहा है, लोगों के पेट पे लात पड़ रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसका जवाब, उसकी भड़ास निकलेगी और हम लोग एक बेहतर विकल्प देने चाह रहे हैं। हमारा रोड मैप हम कल तैयार करेंगे, जनता के सामने पेश करेंगे। लोग चाहते हैं विकास हो, समृद्धि हो, अमन चैन, प्रेम, भाईचारा हो। ये झगड़े करना, ये आपस में टकराव पैदा करना, ये जहर घोलना, इसको समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पायलट साहब से बात हुई और जिस तरह से सचिन पायलट ने दावा किया कि राजस्थान की सरकार फेल हो गई है और आदिवासी जनता भी अब मुंह मोड़ने वाली है, बहकावे में पिछली बार आ गई थी, लेकिन इस बार राजस्थान का ट्राइबल बहकावे में नहीं आने वाला। कैमरा जर्नलिस्ट पवन मूर्तिकार के साथ योगेश शर्मा, 84।